गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई सी टी बुक्स यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको आईएएस एग्जाम 2020 के बारे में और उसके लिए एक बुक का रिव्यू लेकर आए हैं जिसमें आपको समान अध्ययन और सी साइट यानी कि आपको 1991 से 93 से लेकर 2019 तक के आईएएस के पेपर मिलेंगे और सी साइट जो 2011 से स्टार्ट हुआ है उसका 2011 से लेकर 2019 तक का नॉसेट वो आपको मिलने वाला है। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाती है। कई जॉब अपडेट्स बुक अपडेट्स और जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहती है। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी सुविधा के लिए हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेजन की ई बुक का, गूगल प्ले स्टोर का और हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये बुक मंगाना चाहते हैं तो अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये बुक डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.yctbooks.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इस बुक के अलावा सारे बुक्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 7518340504, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी कॉल करके आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, पेमेंट करके आप बुक घर बैठे बुक मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये 9 कॉम्बो का बुक अभी तक नहीं लिया तो ये बुक ज़रूर आप ले लीजिए क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए बुक इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक वॉल्यूम का एक अलग फीचर्स है। जैसे पहली वॉल्यूम है उसमें आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में बताया गया है। दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें आपको भारत में भूगोल के बारे में बताया गया है। तीसरा जो वॉल्यूम है उसमें आपको सामान्य विज्ञान के बारे में बताया गया है। चौथा भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन। छठवां जो वॉल्यूम है वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था। सातवां पर्यावरण पारिस्थितिकी है। आठवां राज्य पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नौवां वॉल्यूम जो समसामयिक घटनाओं पर आधारित होता है। इंग्लिश एडिशन भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, ये आपको बता दिया गया है। ये 9 वॉल्यूम आप ले लीजिए। इसमें मैंने बताया 1993 से लेकर 2019 तक के आईएएस के प्री के पेपर इसमें आपको मिलेंगे। साथ ही साथ सीसैट का जो पेपर हुआ 2011 से लेकर 2019 तक का वो पेपर आपको मिलने वाला है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है जो पहले ही पेज में आपको दे दिया गया है, 1993 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं ये पेपर का आपको क्वेश्चन वाइज है। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 यहाँ 2019 तक का आपको इसमें दिखाया गया है। कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको बताया गया। पहला टॉपिक आपका प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास, भारत में विश्वगोल, विश्व का भूगोल, जनसंख्या, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, तर्क संगति, गणित, समसामयिक की विविध, ये आपके टॉपिक्स हो गए हैं। कौन और किस ईयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि हम देखते हैं सन 2005 में प्राचीन इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके 4 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे गए हैं। प्राचीन इतिहास में किस टॉपिक से पूछे गए हैं वो भी आपके वैदिक सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल और राजनीतिक समाज स्थिति, आपके 4 क्वेश्चन आपके ये यहाँ से पूछे गए हैं। इसके अलावा हर एक टॉपिक की यहाँ डिटेल से सोल्यूशन दिया गया है तो आपको ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस प्रकार के जो लेवल एग्जाम का बढ़ रहा है वो किस प्रकार से है और किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पहले किस टॉपिक से पूछे जा रहे थे, इसके लिए यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर दे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा इसमें आपको सोल्यूशन पेपर सेट इसमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर समान अध्ययन का अध्याय और चार्ट दिखाया गया जो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है 2019 का वो शॉर्ट पेपर, उसके बाद 18, 17, 16, 15 सबका यहाँ पर शॉर्ट पेपर दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2011 से लेकर 2019 तक का सी सेट का जो पेपर सेकेंड पेपर होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आपका 2019 का, यहाँ पे शॉर्ट पेपर 2019 के हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। जो सबसे पहले आपका प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में सांसद सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो रहेंगे वो बाय लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ये सोहगौरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। क्यों नहीं है इसके लिए यहाँ पर डिटेल सोल्यूशन भी दिया गया है। सोहगौरा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ से भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला ताम्रपट अभिलेख मिला है। इस ताम्रपट लेख की लिपि ब्रह्मी तथा भाषा प्राकृत है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों बनाने का वर्णन है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपके बौद्ध जैन एवं भागवत शैव धर्म से पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेफिनेशन ऑफ द बुद्धा, बुद्धा में देवत्रोपण, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिस्ट, बोधिसत्व के पथ पर चलना, इमेज वर्शिप,
एंड रिचुअल, मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान, विच ऑफ द एबव इज आर द फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ महायान बौद्ध मत। उपयुक्त में से कौन सी विशेषत या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये जो आपके तीनों हैं वो तीनों रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इस पर सही होने वाला है। ये देखिए आंसर डी सही है। क्यों सही है? महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ 1वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास माना जाता है। महायान भक्ति प्रधान मत है। इस मत के प्रभाव से बुद्ध में देवत्व का आरोपण हुआ है और बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण तथा उपासना एवं अनुसंधान का समावेश हुआ है। अब महायान धर्म के प्रचारकों ने विश्व भर में बुद्ध की मूर्ति और प्रार्थना के लिए स्तूपों का निर्माण करवाया है। इस भक्ति भावना में बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की भावना का समावेश किया। यह भावना सदाचार, परोपकार, उदारता आदि से संपन्न थी। इस मत के अनुसार बुद्धत्व की प्राप्ति सर्वोपरि लक्ष्य है। अश्वघोष, नागार्जुन एवं असंघ प्रमुख महायानी विचारक हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया आपके मौर्य एवं मौर्य काल से, उसके बाद गुप्त एवं गुप्त काल से क्वेश्चन आपके पूछा गया प्राचीन इतिहास से। इसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो जाता है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन आपके भक्ति आंदोलन से, आठवां क्वेश्चन आपके मुगल साम्राज्य से है। मुगल साम्राज्य से आपके तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास प्रारंभ होता है। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें सामाजिक सांस्कृतिक जागृति एवं निम्न जाति मजदूर संघ एवं किसान आंदोलन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके प्रमुख संस्थाएं संधि आयोग एवं अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें तीन क्वेश्चन हो गए। स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका भारत एवं विश्व भूगोल, भारत का भूगोल आता है, भारत भूगोल से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके बाद विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर डिटेल के साथ दिया गया है। भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है IAS के पेपर में। भारतीय संविधान के बाद इसमें पंचायती राज व्यवस्था, विधानमंडल, न्याय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, विकास एवं विकसित अर्थव्यवस्था, गरीबी एवं बेरोजगारी, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय। इसके बाद कृषि एवं उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय, उसके बाद विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, मानव चिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर डिटेल के साथ दिखाया गया है। कृषि, पशुपालन एवं डेयरी से, विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट एवं इकोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहाँ पर डिटेल आपको बताया गया है कौन से क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा और आंसर क्या होगा, क्यों होगा, डिटेल सॉल्यूशन है। लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। उसके बाद समसामयिक करंट अफेयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर डिटेल के साथ दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार 1993 से लेकर 2019 तक सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, यानी कौन सा टॉपिक किस क्वेश्चन से पूछा गया, कब पूछा गया, वो वहाँ पर डिटेल के साथ बताया गया है। आगे आपका IAS के 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट, पेपर स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपके प्राचीन इतिहास से स्टार्ट है और आपके मिसलेनियस में समाप्त होगा। ये आपके हो गए मिसलेन IAS के पेपर। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन सीसैट में पूछे जाते हैं वहाँ पर भी डिटेल से दिखाया गया है। सीसैट में जो है वो सीसैट में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो सीसैट के पूरा 150 क्वेश्चन का यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके 1993 हो गया, 93 के बाद आपके यहाँ से सीसैट का स्टार्ट होता है, तो सीसैट का यहाँ पर डिटेल के साथ सोल्यूशन भी दिखाया गया है। देखिए सीसैट का हो गया, सीसैट 2011 का हो गया, तो यहाँ पर डिटेल के साथ ये पे सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर 7518340504। थैंक यू गाइस, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चढ़ा लो जी।